हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सुमित कश्यप है और मैं वो पेशे से मैकेनिकल इंजीनियर हूं और मैं भारतीय स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी में पिछले 5 सालों से काम कर रहा हूं। हालांकि मैं बिहार से हूं, बिहार के आरा डिस्ट्रिक्ट से, और पिछले कुछ दिनों यानी पिछले तकरीबन 4 महीनों से मैं बिहार में रहा, और मैंने काफ़ी समय के बाद मैं 10 सालों के बाद मैंने अपने बिहार में 4 महीने तक अपने घर पे रहा, अपने लोगों के बीच रहा। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का पर्पस मेरे को किसी के लिए कोई रॉन्ग मैसेज देना नहीं है, उनको हर्ट करना नहीं है। बस एक ये मेरी थिंकिंग है जो शायद मुझे लगा कि मुझे ये मैसेज पास करना चाहिए। वैसे मैं टेक्निकल सब्जेक्ट्स के ऊपर वीडियोज बनाते रहता हूँ। ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो मैं किसी सोशल पॉइंट ऑफ व्यू अपना रखना चाहता हूँ। आज स्थिति क्यों ऐसी है बिहार की, क्यों, इसके पीछे क्या रीज़न है, हमें समझना होगा। क्योंकि आज से मैं 10 साल पहले की बात करूँ दोस्तों, तो मैं जब घर से बाहर निकला था और मैं पिछले 10 सालों से बिहार में बहुत कम समय रहा, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि बिहार में काफ़ी डेवलपमेंट हुए हों, बिहार के लोगों के सोच में बदलाव आया हो। लेकिन अगर वास्तव में देखा जाए दोस्तों, तो आज हमारा बिहार वही के वही है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं। हाँ, बदलाव आए हैं, बदलाव ये आए हैं कि बिजली हमारे यहाँ बहुत अच्छी रह रही हैं। एजुकेशन का स्तर अगर बात करें तो यस, अगर हम लिटरेसी रेट की बात करें, साक्षरता दर की बात करें, तो काफ़ी बढ़ा है। लेकिन ग्राउंड पे दोस्तों क्या है, ये तो हकीकत में क्या बताऊं कि जो सिलेबस थे पहले के, वो काफ़ी डाउन कर दिए गए हैं, बच्चों के कंसेप्ट्स क्लियर नहीं है। आज के डेट में अगर बात करें बिहार में, यार हर साल बाढ़ आते हैं, हर साल समस्याएं आती है बिहार में। अभी कोरोना को लेकर के इतनी सारी समस्याएं, हम एक एक करके बात करेंगे। पहले बात करते हैं कोरोना के ऊपर। कोरोना को लेकर के सबसे ज़्यादा भी बिहार की जो स्थिति है दोस्तों, 35,000 से ज़्यादा लोग कोरोना से ग्रसित हैं बिहार में। इतने सारे केसेस पर डे, अप्रॉक्सीमेटली 2400 से ज़्यादा केसेस कोरोना के सिर्फ बिहार में देखने को मिलते हैं। आए दिन इतने सारे वीडियोज पोस्ट होते रहते हैं हॉस्पिटल्स के। ये एक्चुअली ये ग्राउंड की रियलिटी दिखा रहे हैं कि हमने ग्राउंड पे कितना डेवलप किया है। गवर्नमेंट कितनी भी कह जाए, वो रियलिटी नहीं होती। रियलिटी होती है जो ग्राउंड पे दिखती है। लोग समस्याओं से जूझ रहे हैं, बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या है दोस्तों, इसके पीछे बहुत खेद होता है, कहते हो कि इसके पीछे रीजन हम और आप हैं। इसके पीछे कोई गवर्नमेंट कोई रीजन नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट को दोस्तों हम सिलेक्ट करते हैं। और बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम लोग यार आज के डेट में भी रूढ़िवादी विचारधारा को अपनाए हुए हैं। आज भी हमें देखते हैं कि अपने जाति के बेस पे, जातिवाद के बेस पे, धर्म के बेस पे हम वोटिंग करते हैं। ऐसे में आप क्या सोचते हो कि बिहार का डेवलपमेंट हो जाएगा? सवाल ही उत्पन्न नहीं होता। आप देखो जो पार्टियां जो होती हैं अभी, यार एनालिसिस करने की चीज़ है, आप एनालिसिस करो ना। पार्टियां जो होती हैं वो बहुल क्षेत्रों में जाति के अकॉर्डिंगली कैंडिडेट को देती है, कि हर एक आज के डेट में जितने भी MLA MPs हैं, हर एक के ऊपर 99% के ऊपर उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। ऐसे लोगों को हम इलेक्ट ही क्यों करते यार? ऐसे लोगों को हमें इलेक्ट करने ही नहीं चाहिए। हमें तो वैसे कैंडिडेट को इलेक्ट करना चाहिए यार कि जो वास्तव में सिस्टम को समझ रहा हो, वास्तव में वो डेवलपमेंट चाह रहा हो। लेकिन हम ऐसा करते नहीं है दोस्तों। सबसे खेद की बात तो यही है, हम क्या करते हैं, हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोटिंग कर देते हैं गरीबों को। जो हम पढ़े लिखे हैं, हमारा धर्म बनता है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि गरीब को जो ना समझे उनको समझाएं कि वोटिंग का क्या वैल्यू है, वोटिंग कैसे करना है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम उन्हें 500 रुपये, 1,000 रुपये देकर वोटिंग करवा लेते हैं। तो इसका नतीजा यही है जो हमें देखने को मिल रहा है आज हॉस्पिटल्स में, कि लोगों को बेसिक फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। मंत्री सोए हुए हैं, नेतागण सोए हुए हैं, कोई मतलब नहीं है। अरे यार, उनको तो आपने बिठा दिया ना ताजमहल में। प्रॉब्लम्स किसको है? प्रॉब्लम्स हमें और आपको है। प्रॉब्लम्स हमारे बिहार के लोगों की है। अदरवाइज कोरोना हर जगह है, हम सारे लोग परेशान हैं, लेकिन बात कोरोना की नहीं आती, बात आती है बेसिक फैसिलिटी की। वहाँ के डॉक्टर्स को कोरोना हो रहे हैं यार, उनको बेसिक फैसिलिटी नहीं मिल रही है। क्या बात कर रहे हो आप?
किस गवर्नमेंट की बात करो, किस डेवलपमेंट की बात कर रहे हो? हमारे एक बिहार के जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय सुशील कुमार मोदी जी, वो बोलते हैं बिहार बीमारू राज्य है, गरीब राज्य है। आपने 15 साल राज किया महाशय, आपने किया क्या आज तक? आपको ये कहने के लिए आज तक डेवलपमेंट यहाँ के लोगों ने आपको सिलेक्ट किया था? शर्म नहीं आती आपको क्या? माननीय नीतीश कुमार जी ने क्या कर रहे हो आप? आपके आपके गवर्नमेंट में जनता ने आपको सेलेक्ट किया। आपने पटना में डेफिनेटली सैल्यूट सर, पटना में आपने बहुत अच्छा काम किया, पुल बनवाए, रोड बनवाए, ओवरब्रिज बनवाए, क्या क्या नहीं बनवाया आपने। लेकिन अपार्ट फ्रॉम द पटना आपने क्या किया? आप जाकर देखो सड़कों के क्या हाल है। अगर आपको लाइव प्रूफ चाहिए तो आप आगे जाकर देखिए अखगांव संदेश, अखगांव आरा का जो रोड है वो देखिए क्या स्थिति है। किस डेवलपमेंट की बात करते हो साहब? आपने बिजली ला दिया, ये कब तक चलेगा कि बिजली लाया तो वोट दो? आपने एजुकेशन सिस्टम पे क्या काम किया सर? आप देखो ना, बिजली लाने आपने एजुकेशन सिस्टम पे क्या काम किया? लोगों का, शिक्षकों का स्तर गिरता जा रहा है। किस बेस पे आप रिक्रूट कर रहे हो? डिग्री के बेस पे रिक्रूट कर रहे हो? आज के डेट में कितने शिक्षक हैं जिनका स्तर अच्छा है? आप ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश नहीं करते। आप डॉक्यूमेंट में ज्यादा बिलीव करते हैं। आपकी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन में ज्यादा बिलीव करती है कि इतने डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए, हमें ये डेटा दिखाने के लिए सफिशियंट है। लेकिन हमें क्या हो रहा है, हम तो उस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं। आज की जो स्थिति है बिहार की, जो स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ कोरोना को लेकर के, जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे लोग मर रहे हैं, आपके यहाँ से कोई रिप्रेजेंटेटिव जाकर देखने को नहीं मिलता। अभी आपके स्वास्थ्य मंत्री अभी पीएमसीएच में गए थे विजिट करने के लिए, क्या खाना पूर्ति करने गए थे? आप लोगों को जितने भी गवर्नमेंट के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको रोड पे होना चाहिए थे, सड़कों पे होना चाहिए, जनता के साथ होना चाहिए थे। लेकिन आप कहाँ हैं? लेकिन सर मैं आपको दोष नहीं दे रहा, दोष मैं हम खुद को दे रहे हैं, हम लोग खुद को दे रहे हैं, क्योंकि हमने आपको इलेक्ट किया है सर। और आपको ये घमंड हो गया है कि आपको कोई आपको कोई बाहर नहीं कर सकता सरकार से, क्योंकि हमें बिलीव है कि आप सच शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, आपने बिहार को बहुत आगे लाने के लिए कोशिश की है। लेकिन क्या रिजल्ट क्या आ रहा है सर, ये देखने के लिए। ये तो बात करी हमने बेसिक हॉस्पिटैलिटी की, हॉस्पिटल्स की बात करी। अब बात करते हैं हम एम्प्लॉयमेंट की। आप खुद का डाटा उठाकर देखो, आपने कितने परसेंटेज जो एम्प्लॉयबिलिटी है टीचिंग शिक्षक के अलावे, कितने सेक्टर्स में आपने आज तक जॉब दी है? आपके आपके घर में, आपके जो घर यानी पूरे बिहार की बात करें तो बिहार के 50% से ज़्यादा लोग जो आउट ऑफ स्टेट जाकर जॉब कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आपकी बहुत अच्छी लगती है कि हम बिहारी जाकर बाहर में जॉब्स करते हैं, एक आ, आ, अपने टैलेंट के बेस पे, स्किल्स के बेस पे। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि इन इनको अगर अपने स्टेट्स में स्किल्स के अकॉर्डिंगली जॉब प्रोवाइड कराएं, अपॉर्चुनिटी दे, तो बिहार का डेवलपमेंट कहाँ होगा? तो ये आज जो ये आपने जो वर्ड आता है गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से कि बिहार आज भी गरीब है, ये वर्ड आपको देखने को नहीं मिलता सर। बिहार में एक से एक टैलेंट है और बाहर जाकर के उस टैलेंट का यूज कर रहे हैं। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप इस छोटे स्केल पे इंडस्ट्रीज भी डेवलप नहीं कर पाए, बड़े स्केल की तो बात ही छोड़ दे, जो पुराने बंद पड़े हुए हैं इंडस्ट्रीज उनको भी अभी तक आपने ओपन नहीं किया। करना क्या चाहते हैं आप? कब तक आप जनता को बेवकूफ बनाते रहेंगे? सो मेरा कोई गवर्नमेंट को मतलब गलत मैसेज नहीं देना था हमें। मेरा बेसिक पर्पस जो है इस वीडियो को बनाने का, जो हमारी जो हम लोग हैं, हम जो सिटीजन ऑफ बिहार अगर हम बात करें जो हैं, हमें समझना होगा कि दोस्तों हमारे पास अभी इलेक्शंस के चांसेस हैं। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ जो एक्चुअल में जो कैंडिडेट है, जो ऐसा लगता है कि ये हमारे, चाहे किसी को, चाहे निर्दलीय ही क्यों ना हो, आप उसको सपोर्ट कीजिए। हमें डेवलपमेंट चाहिए। वी शुड नो, वी शुड हैव दैट आवर आइडेंटिटी, हमें हमारी आइडेंटिटी चाहिए। हम इस तरीके से परेशान नहीं रह सकते हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, और इसके लिए हमें जाति धर्म इन सभी चीज़ों से उठकर आगे आना होगा। हमें क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना होगा, उसे वोट करना होगा, तभी बिहार की किस्मत बदल सकती है। अदरवाइज बिहार की स्थिति पहले जैसे थी आज है और आगे भी रहेगी। तो रूढ़िवादी विचारधाराओं से दोस्तों हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है, और हमें आगे बढ़कर, खास करके मैं युवाओं से बोलना चाहूँगा, हमारे यूथ फ्रेंड से बोलना चाहूँगा कि आप आगे आएँ, इस चीज़ में पार्टिसिपेट करें और लोगों को अवेयर करें कि हमारी वोट की कितनी वैल्यू है। आज हम क्यों सफ़र कर रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स में बेसिक फैसिलिटी नहीं है,
हमारे गांव में बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, जो भी फंडिंग होती है लोग आधे खा जाते हैं। आप जो राशन कार्ड के लिए हम बात कर रहे हैं, वो भी लोगों के तक नहीं पहुंच पाती। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम में अपने स्वार्थ में लीन हैं, हमें मतलब ही नहीं किसी चीज़ से। तो ये चीज़ को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? इस चीज़ को हम सिर्फ और सिर्फ हम यानी यूथ कर सकता है, क्योंकि हमें इस चीज़ से बाहर आना होगा, हमें रूढ़िवादी विचारधारा से बाहर आना होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हर एक जनता तक पहुंचाएं, हर एक हमारे जितने भी बिहार के लोग हैं उनको पहुंचाएं, उन्हें सोचने पर मजबूर करें कि हम क्यों ऐसा हमारे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, कब तक होता रहेगा। जवाब का इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच।